ये क्या चीज है भाई? ये है ब्रेड के क्रूटॉन्स। उल्टी हो जाएगी मेरे को। उल्टी हो रही है? कैसी लगी? अच्छी लगी तो टेस्टी है। No, 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And those who are new, hi, my name is Sapna. So today's video is a very unique video क्योंकि आप लोग मेरा background देख कर ही समझ चुके हो कि मैं अपने किचन में हूँ. And किचन में हम लोग कुछ आज अनोखा ही करने वाले हैं, एकदम धमाका करने वाले हैं. बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्राई अ 5 minutes वायरल फूड हैक्स. मतलब 5 minutes वाले से भी मैंने कुछ लिए, कुछ YouTube पे से भी लिए हैं, कुछ लोगों ने ट्राई किया था उनसे, कुछ इंस्टा से भी लिए हैं. सो सबका मिक्सअप होने वाला है ये. एंड आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार लगने वाली है. सो यू हैव टू वॉच इट टिल द एंड कि ये सारे हैक्स जो है वो सक्सेसफुल हो भी पाते हैं या नहीं. सो आपको आखिर तक देखनी पड़ेगी ये वीडियो. एंड आप लोग भी रेट करना कमेंट सेक्शन में कि ये सारे फूड हैक्स कैसे रहे थे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू माय वीडियो. सो मैंने इंस्टा से और यूट्यूब से कुछ फूड हैक्स निकाल कर रखे हुए हैं. सो हमारा फर्स्ट फूड हैक जो है वो होने वाला है इस एग से. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एग को तवे के ऊपर फेंकेंगे एंड वो अलग अलग हो जाएंगे विथआउट मतलब उसमें कोई भी एग का पीस या मतलब छिलका नहीं रहेगा और ये पूरा अलग अलग हो जाएंगे. ये मतलब कुछ अजीबो वाली चीज है. मतलब वैसे हम लोग कभी उससे चाकू से या किसी भी चीज से करके वैसे करके डालने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी इसके पीसेस वगैरह थोड़े बहुत आ जाते हैं. बट उन्होंने दिखाया था कि आप ऐसे डालोगे तो हो जाएगा, ट्राई करते हैं गाइस. तो मैंने अभी दवा रख चुका है. सो गाइस अभी ये मेरे पास एग है एंड अभी इस एग को मैं इसके ऊपर डालूंगी और वो एकदम सीधा का सीधा हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. भाई मुझे डर लग रहा है, कैमरा दूर कर लेते हैं. मम्मी मारेगी. Oh, what is this? Guys, you fail. Okay, jump. Once more. Oh. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. ये तो अलग अलग हो गया. But as you can see, ये पीस आ गया था यहाँ पर. सिर्फ एक पीस आया है यहाँ पर. ये दिख रहा है आपको? ये और ये अंडा मेरा ऐसा हो गया है और ये सब हो गया. ये यहाँ भी सब कुछ फैल गया है. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. भाई मम्मी मारने वाली है मुझे, ये क्या काम कर रही हूँ भैया. सो गाइस ये अंडा का थोड़ा सा पास हो गया ये वाला, बट आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको सीधा काट के भी डाल सकते तो अच्छे से हो जाएगा, इतना फैलाने की जरूरत है. बट अगर आप पैन में करोगे ना, दीदी ने पैन में किया था तो उनका शायद से ज्यादा अच्छा हुआ था, बट मेरे में तो ऐसा हो गया. कोई बात नहीं, वी विल रेट इट 10 out of 8 क्योंकि एक पीस रह गया और ये पूरी जगह में फैला दिया इसने. बट वैसा वाला पैन होता तो शायद नहीं फैलता. सो गाइस सो फॉर द नेक्स्ट फूड हैक, पहले वाला तो ठीक ठाक से चला गया था, नेक्स्ट फूड हैक के लिए हम अपनी मैगी खराब करने वाले हैं. मैगी खराब करने का मतलब है कि हम लोग इसमें बीच में से इसमें एक बॉक्स कट करेंगे. ठीक है, पहले अभी मैं बॉक्स कट करते फिर उसके बाद आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ. जैसे आप वीडियो में देख लो, आगे का प्रोसीजर जो है हम इसके अंदर पानी डालेंगे एंड मसाला डालेंगे और ये बन जाएगी हमारी कप नूडल क्रिस्पी. सो पहले अभी मैं इसे कट आउट कर लेती हूँ. सो गाइस एज यू कैन सी मैंने इसमें एक बॉक्स के जैसे एक एरिया काट लिया. अब इसके अंदर से मसाला निकाल लेंगे. आ जाओ बाहर. ठीक है, तो मसाला आ चुका है बाहर. अब इसके अंदर हम लोग पानी डालेंगे और मसाला डालेंगे, फिर इसको ढक देंगे, फिर एक कप नूडल की तरह बन जाएगा. सो लेट्स ट्राई इट आउट. पता नहीं मैं अपनी मैगी क्यों खराब कर रही हूँ, क्यों, आई डोंट नो हाउ. सो गाइस इसके अंदर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, दिखने लगा ना, ये देखो दिख रहा है, ये इसके अंदर मैंने मसाला डाल दिया. अभी थोड़ा मिक्स हो जाएगा, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ. ठीक है, इसके अंदर पानी डाल दूंगी. सो गाइस अभी हम लोग इसमें पानी डालेंगे. ये मसाला तो मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये देखो मसाला डाल चुका है. पानी बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा. तो मम्मी ये क्या कर रही हूँ मैं, ये देखो इतना ज्यादा गर्म है. देखो ये भी कितना उड़ रहा है, देखो कितना. अबे ये जल गया, ये क्या, ये क्यों हुआ भाई इसे, ये तो एकदम वो हो गया, पीड़ित हो गया. तो जल्दी से पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना होता, कम ही डालेंगे हम. अब इसको ढक के रख देंगे. ठीक है, सो गाइस मैं अभी इसके ऊपर ये रख रही हूँ कप, मुझे और कुछ मिला नहीं.
कप के साथ साथ हम ये बर्बन बिस्किट भी रखते थे, अब ये बन ही जाएगी। ठीक है गाइस, मुझे नहीं पता बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। सो देखते हैं, अभी इसके लिए वेट करेंगे थोड़ी देर तक हम, फिर बन जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जादू। तो गाइस जब तक हमारी मैगी रेडी हो रही है तब तक हम लोग ये पास्ता वाला हैक कर लेते हैं। पास्ता वाले क्रंची पास्ता बना रहे हैं, ठीक है। तो ये चिप्स की वजह से बन जाते हैं। तो ये मेरे पास वो वाले पास्ता है, वो जो भी होते गोल गोल वाले, वो वाले पास्ता है, ठीक है। तो अभी मुझे खरीद के लाई थी, एंड अभी पहले मैं इसे उबालूंगी, उसके बाद मुझे ये कढ़ाई में फ्राई करना है, ठीक है। सीजनिंग वगैरह कुछ कुछ डालकर फिर उसके बाद कढ़ाई में वैसे फ्राई करेंगे, तो देखते हैं। सो तब तक वो हो रही है, तब तक मैं इसे गर्म कर लेती हूँ, ठीक है। एक साथ दो काम। गाइस मैगी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है, एक बार चेक आउट कर लेते हैं। पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, आई नो दैट। तो अभी हम इसे काट लेते हैं, ठीक है। चलो ये हट गया। अभी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी पानी की कमी है, ये हो तो गई है। एक बार अच्छे से मैं एकदम मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस ये कुछ ऐसा बना है, तो मैंने मिक्सअप कर लिया। ये मतलब कुछ कुछ जगह पे ये हो चुका है, पक चुका है, कुछ कुछ जगह पे नहीं पका है। सो लेट्स ट्राई आउट कैसा बना ये, देखते हैं कैसी लगेगी ये कच्ची मैगी। पहले मैं रेट करती हूँ, ठीक है। 10 out of 7 जस्ट बिकॉज अगर इसमें हम ज्यादा गर्म पानी डालते या ज्यादा पानी डालते तो शायद ये अच्छी बन जाती और इसमें दूर दूर तक नहीं जा पाया पानी, तो ये कच्ची रह गई है, वरना टेस्ट में बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो 10 out of 7 मार्क्स मैं देना चाहूंगी इसमें। मैगी में पूरा पानी भर चुका है, देखो कैसी बन चुकी है ये, पता नहीं कहाँ कहाँ पानी गया है, कहाँ कहाँ नहीं गया है, ठीक है। मसाला तो कुछ कुछ जगह पे गया, कुछ कुछ तो मैं आपको दिखाती हूँ, दिखा तो मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी दिया, बट मुझे ये अच्छी लग रही है, कहीं कहीं से अच्छी लग रही। ओ भाई फैल रही है पूरी, ये देखो ये कच्चा पार्ट है जो अपने आप बाहर निकल रहा है। तो नीचे रहो कच्चे भैया, ऐसे अच्छी तो नहीं लग रही पर ठीक है, बट मैगी अच्छी हो रही है। अब मैं इसको रख रही हूँ, अच्छे से बनाऊंगी कढ़ाई में, ठीक है। 10 out of 7 ठीक है, दूर दूर तक पानी नहीं गया इसमें। अगर वो कप वाली नूडल्स होती है वो बहुत ज्यादा बेस्ट होती है, उसमें अच्छे से चला जाता है, तो ठीक है मैं इसे इतना देना चाहूंगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स माय नेक्स्ट हैक। तो गाइस नेक्स्ट फूड हैक जो होने वाला है उसमें हम लोग एक काली मिर्च डालेंगे और एक काला नमक डालेंगे, ठीक है। उल्टा है ये, ठीक है, काला नमक और काली मिर्च डालेंगे, किसमें डालेंगे आपको वो बता दिया। तो ये हम डालने वाले हैं अपनी इस मैकरोनी में। तो सीजनिंग थोड़ी बहुत ऊपर से डालनी थी इसलिए मैंने सोचा कि ये ही डाल देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें डाल देंगे, फिर हम लोग इसको कढ़ाई में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग इसमें डालेंगे काली मिर्च। सो ये डाल दी हमने काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ज्यादा हल्दी नहीं करनी है, ठीक है। अभी हम लोग इसको मिक्स करेंगे, मेरे हाथ साफ है मैंने बता दी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मैंने इसको पूरा मिक्स कर दिया, अभी हम लोग उसको डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। देखते जाओ आप कैसे क्रंची हम लोग वो बनाएंगे चिप्स, ठीक है। लेट्स डू इट। सो गाइस दिस इज माय कढ़ाई जो कि गर्म हो चुकी है ना भाई, तेज कर देती हूँ, यस हो ही चुकी है। एक डाल के देखते हैं, नहीं हुई है, थोड़ा टाइम वेट करो। सो गाइस जो हमने सबसे पहले डाला हुआ था वो होने लगा है कुछ कुछ, तो उसको कुछ हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन सबको भी इसमें डालते हैं, भाई एक एक करके डाल, तेल गर्म होगा। अम्मी दूर दूर डालेंगे हम, बोल रहे हैं भाई अब इतनी तेल दूर रहा हूँ क्या, क्या डाल दूँ। अभी वही है पीछे बन रहे थी, दूर दूर करते हैं मैंने तेल के साथ कैसा फिवाड़ कर रही हूँ मैं भाई, ये तो एकदम बबली बबली हो गया। देखो देखो भाई, आई एम बिकमिंग अ शेफ नाउ, संजय कपूर बन गई मैं, कपूर ही नाम है ना, हाँ। तो भाई ये मेरे बनने लग चुके हैं, मैं अभी एक प्लेट लेती हूँ और इसे प्लेट पर रखती हूँ।
सो गाइस हम इन्हें डीप फ्राई कुछ नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल फ्राई करेंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसे पहले डाला था, ये हो गया शायद से। अरे ये तो चिपक रहे हैं रे, एक दूसरे से चिपक गए। ओके क्या हुआ भाई, ये इनको कुछ हो रहा है, ये दोनों फट रहे हैं। छुट जा, आ मम्मी, ओ चल गई ना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। गाइस आपके लिए थोड़ा बहुत जल्दी गई, बट नो प्रॉब्लम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बट मुझे लग रहा है ये क्रंची वाले फ्राई हो चुके हैं, एज यू कैन सी दैट, और सारे चिपक चुके हैं, सब एक ही घर के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये अभी अच्छे से निकल जाए जब हम इसे बाहर निकाले तो, बट दे आर लुकिंग टू गुड। देखते हैं खाने में पता चलेगा कैसे है। गाइस मेरा पोपट हो गया क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चली गई थी, और ये थोड़े थोड़े जल गए एज यू कैन सी ऐसे, बट ये वाला जला नहीं हुआ है एंड ये लग रहा है हो गया पक गया। तो मैंने जितने बचे हुए थे वो भी डाल चुके हैं इसमें, तो अभी ये वाले तो जल गए थोड़े बहुत, बट मैं फिर भी खा लूंगी और ये वाला देखते हैं कैसा होता है। थोड़ा सा घी डाल दिया ऑलरेडी, उसके बाद मैं ये डालूंगी। ठीक है, ये सारे क्रूटॉन्स वो वैसे भी गर्म रखी हुई है, तो मैं सब कुछ डाल देती हूँ उसके अंदर। ठीक है, फिर ये क्रंची क्रूटॉन्स बनेंगे। ठीक है गाइस, ये मैंने ऑलरेडी डाल चुका है एंड लेट्स डू इट। सो मैंने बहुत ही कम डाले बिकॉज मुझे पता था इसका भी हाल शायद से पास्ता वाले के जैसा हो जाएगा। सो लेट्स सी। अरे ये तो सही बन रहे, नहीं भाई ये तो अच्छे बन रहे, ये तो सही बन रहा है भाई। मुझे नहीं पता था भाई ऐसे, दे आर लुकिंग गुड 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 गुड। बस इसे चलाना रहता पड़ेगा वरना खराब हो सकते हैं। एज यू कैन सी तो हो भी चुके हैं, जल्दी अरे बस जल्दी 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 हो गया भाई, तेल खत्म हो गया, तेल सारा सोख लिया इन्होंने, प्लेट में जो बहुत ही ज्यादा क्रंची लग रहे हैं, कुछ कुछ जल भी गए। अरे यार मतलब थोड़े बहुत ज्यादा देर तक रह गए थे ना, इसलिए लेट्स ट्राई देम। सो जो फर्स्ट वन मैं ट्राई करने वाली हूँ वो है ये, बहुत गर्म बहुत ज्यादा। अभी ये थोड़े 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 सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, बट मे बी थोड़े टाइम बाद ये क्रंची हो जाए, लाइक एज दिस वन इज लुकिंग क्रंची। सो गाइस एज यू कैन सी दैट ये अच्छे बने हैं, बट ठीक है, ये मैं अपनी तवे पे भी ब्रेड जो सेकती हूँ ना नॉर्मल ऐसी क्रंची बन जाती है, सेम वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, अनोखा नहीं है। आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ अच्छे हैं,
वारन बनाऊंगा। आप ट्राई आउट कर सकते हो इसे, देखिए कुछ तो जल भी रहे मेरे। ये यहाँ से जला, यहाँ से साफ है। अच्छा लेट्स ट्राई आउट आवर नेक्स्ट नेक्स्ट फूड हैक। मैं वही वाली कढ़ाई दोबारा यूज कर रही हूँ बिकॉज ये कढ़ाई बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, मैं और ज्यादा बर्तन खराब नहीं करती, बहुत धुआं निकल रहा है इसमें से। जल्दी शुरुआत करते हैं वही साहब, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें ये तीन ब्रेड डालेंगे, थ्री ब्रेड्स। सो लेट पोर डैम मैम, वही बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये हमने डाल चुका है, अभी इसको हम लोग इसके अंदर हमें मिल्क डालना है, ठीक है। पहले से घुमा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, करछी से रखो एंड टर्न आउट। ओ भाई ये तो चिक्की नहीं जल गई, देखो भाई साहब कैसे। सो गाइज अभी हम लोग इसमें अपना मिल्क डालेंगे, सो तीनों ब्रेड्स इसके ऊपर से जाएगा, ठीक है। ज्यादा डाल दिया मैंने मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको हम बीच में ले आते हैं, मैंने मिल्क मतलब दूध के अंदर ही मैंने पहले ही चीनी डाल चुकी थी, ठीक है। सो फिर ये अभी ऐसा लग रहा है, कुछ ज्यादा काला हो गया ये ऊपर वाला, बिकॉज मैंने इसे बहुत देर तक उस साइड से लिया था। कमाऊ पलट, इसका पूरा मिल्क वो हो चुका है और ये बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरे सारे चलन या तो मैंने खराब किए हैं या तो वो थे ही खराब, आई डोंट नो भाई, मुझे लग रहा है मैंने ही खराब किए, मुझे कुछ आता ही नहीं भाई करना। अरे भाई साहब गैस तेज कर दूं तो शायद ये जल्दी हो जाए। देखो देखो बबल्स, समथिंग इज हैपनिंग। चलो गाइस देखते हैं ये कैसा बनेगा, मेरे ख्याल से अच्छा बन सकता है, ख्याल से। ख्यालों में तुम हो, आंखों में तुम हो। चुप, बिल्कुल चुप। ये खराब हो जाएगा फिर से अगर मैं ऐसी देखूं। भाई कढ़ाई जला दी मैंने, ये भगवान ये भी जला दिया, गैस बंद करते हैं। सो गाइस ये रहा जो मैंने बना दिया है, जो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, अभी देखते हैं खा के कैसा लगता है। आई थिंक सो अच्छा बना होगा, कम ले सबना बाइट, इतनी बड़ी मत ले, पता चले मुंह में जाते ही खराब हो जाए, ठीक है। हम इतनी सी बाइट लेंगे, दिस वन इज गुड। ये बहुत अच्छा बन सकता था, सिर्फ मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है, थोड़ा सा मीठा था मैं और थोड़ा सा जल गया, बट आई विल फिनिश इट आउट बिकॉज ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके अंदर क्रीम थोड़ी बहुत मतलब मलाई वगैरह का टेस्ट आ रहा है दूध का, तो ये बहुत अच्छा है। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अच्छी तरीके से ट्राई करना, मैंने बहुत खराब तरीके से कर दिया था। ब्रेड को जलने मत देना, तवे पे भी कर सकते हो इसे, ठीक है। मैंने कढ़ाई में किया तो शायद से ज्यादा हो गया हो, ठीक है। जलने मत देना इसे और दूध अच्छे से डालना है, फिर आप इसमें शहद भी डाल सकते हो या फिर गुड़ भी डाल सकते हो, उससे भी बन सकता है मीठा। बट दिस वन इज टू गुड, आई विल गिव इट 10 out of 7 क्योंकि ये मैंने बनाया और खराब हो चुका है, बट अगर ये अच्छा होता तो आई विल गिव इट 10 out of 10। सो गाइज यू मस्ट हैव टू ट्राई दिस। ये देखो मैंने मैगी में बनाई थी, मम्मी कैसी लगी मैगी, टेस्ट करो इस चम्मच से। लो ये लोग मेरा पोपट कर रहे हैं गाइज, देख लो ये साइड में करो। ये क्या चीज है भाई, ये है ब्रेड के क्रूटॉन्स। उल्टी हो जाएगी मेरे को, उल्टी हो रही है, कैसी लगी, अच्छी लगी तो टेस्टी है, बनी तो ठीक है, मतलब मैगी बनी तो नमक नमक डाला, मसाला डाला बस, कुछ नहीं डाला मैंने नमक वगैरह, अच्छी मैगी, ठीक है। और ये खाओ, ये पास्ता की वो बनाए, वो नहीं सही लग रहा है, जला दिए पागल ने, देखो ये जला दिए। हाँ ठीक है ना, ये बताओ ये टेस्ट करके कैसा है, ये ब्रेड वाला कैसा लगा, सही है। अच्छा है, ब्रेड वाला अच्छा है। और ये बता जो बेकार, सारे बेकार है, मैगी ठीक है बस, मैगी ठीक है, ये नहीं बना ले, ये खराब हो गया। मैगी में तूने अपनी कारिस्तानी नहीं करी ना, इसलिए मैगी ठीक है, अच्छा? वो बच गई। पास्ता मिला दिया, मैगी बिगाड़ देगा, बिगाड़ा कुछ चाहिए, मम्मी डाल दो सारा, ये फंस गया सी है। देख लो गाइस मैगी खाऊंगी, तुम मत खाना, ठीक है, तुम मत खाना, तुम मत खाना, मैगी दे दो, मैं खा लूंगा। गाइस एक और चीज है,
सो गाइस ये था वो ब्रेड वाला, ये मम्मी खिलाते, चलो मम्मी टेस्ट करो। ये भी खराब है ना, ये ब्रेड है और इसमें दूध है और चीनी है, देख। कैसा लगा? ये टेस्टी है। इसमें क्या अच्छा लग गया तुम्हें? हैं अजय तू सो गाइस अब ये मेरा भाई खा रहा है, देखते हैं कैसा। कुछ नहीं आता तुमको, कुछ नहीं। देखना अभी अगर इसने दूसरी बाइट ली ना तो इसका मतलब मुझे सब आता है, मतलब मेरा अच्छा बना है खाना। अभी देखना खुद खा लेगा ये, इसने अपने लिए लिया, अपने लिए। तूने अच्छा नहीं बनाया इसलिए मैं अभी खा लेता ही, अभी जैसे वीडियो बंद होगी ना वैसे ही खा लेगा। देखना गाइस ये देखो इसमें भी अभी खा रहा है, इसे मेरा सारा बनाया हुआ अच्छा लगा है। खा जल्दी से मम्मी, तुम्हें अच्छा लगा ना मेरा खाना? अभी अनुपमा चल रही टीवी पे, अनुपमा का घर, मम्मी को अच्छा लगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो लगी अच्छी लगी है या फिर आज के फूड हैक्स जो मैंने भी किए हैं जो भी आपको अच्छे लगे या आप ट्राई आउट करना चाहते हो सो यू मस्ट गो। सो जो फेल हो गए थे वो भी आप ट्राई कर सकते हो, या मतलब मेरी तरफ से फेल हुए, मैंने कुछ गलती की हो, शायद आप लोग करो तो ना हो ऐसा कुछ, लाइक ऐसे मैंने कुछ में कर ली थी गलती, ठीक है। सो आप लोग ट्राई आउट कर सकते हो एंड कमेंट डाउन बिलो अगर इसका पार्ट टू भी आपको चाहिए, आई विल मेक द पार्ट टू ऑल्सो, बिकॉज बाजार में बहुत सारी नए फूड हैक्स आ चुके हैं जो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ। ऑलराइट सो कमेंट डाउन बिलो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन यू हैव टू नो दैट व्हाट यू हैव टू डू, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी कमेंट डाउन कर लेना, ठीक है। देन आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, बी पॉजिटिव, बाय।